राउंड ऑफ अपलॉज फॉर मिस्टर हेमांत बिस्व शर्मा सर बिफोर वी से एनी थिंग फर्दर लीव एवरीथिंग एयर सोसाइट ऑफ ऑल दीपल इन दर्ल्ड इन द इ ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपको कहा से सदाम हुसैन याद आए कहां से मतलब सद्दाम हुसैन किसी के ना दिमाग में था ना प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में था आप राहुल गांधी जी को देखते आपको शायद कोई भी याद आ सकता दिमाग में नहीं था लेकिन राहुल जी को देख के दिमाग में आ गया इट वॉज नॉट इन माई माइंड ऑफ ऑल द पीपल ही रिमाइंडेड यू ऑफ सद्दाम ऐसा लगा मेरा भूल भी हो सकता है अगर आपको नहीं लगता है लेकिन दैट वॉज माई पर्सनल ओपिनियन आई यू जस्ट बेटिंग राहुल गांधी क्योंकि दो दिन पहले आपने बोला कि राहुल जी उस क्रिकेटर की तरह हैं जो कि जब मैच कहीं कहीं चल रहा होता है पैड करके अच्छा ओपिनियन दीजिए सुनाओ गुजरात में है अगर कोई यात्रा महाराष्ट्र में चलता है तो गुजरात का कांग्रेस कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उनका मन में क्या लगेगा भाई बीजेपी बीजेपी से तो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ और मेरा लीडर महाराष्ट्र में मेधा पटेकर का साथ वाक कर रहा है यही मैं तो क्या बोला सिंपल बात है क्रिकेट पीठ सीधा है आप पेविलियन में बैटिंग करके बैठा हुआ है पैड एड ग्लाब्स लगा के इसमें मैं गलत क्या बोला आपको ऐसा नहीं लगता है ओपिनियन मेकर आप हैं आपका ओपिनियन मैटर करता है मेरा नहीं, नहीं, बार, नहीं। बार बार राहुल गांधी बार बार राहुल गांधी बार बार नहीं मैं मैं, मैं दिन में कभी महीना में भी राहुल जी का नाम नहीं लेता हूं ऐसा नहीं है बट ठीक है ये आपका मर्जी है कब राहुल जी का बाद में एक दो कभी करता हूं वो आप पिकअप करते हैं बाकी मेरा पास इतना समय कहाँ है कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये जानबूझ के शायद एक कम्युनल टिंच देने को तब आप दाढ़ी उ काट लो यू यू विल बी लुक लाइक राहुल गांधी झमेला खत्म आपको बाकी लोगों की दाढ़ी से तो प्रॉब्लम नहीं होती अगर राहुल जी रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम अरे देखिए मेरा ये किसी का ऊपर ओपिनियन है और भारत बस का पूरा कानून ओपिनियन देने का इजाजत देता है इसमें मैं क्या गया कर? लॉ मैंने इतना ही बोला कि थोरा सा यू विल बी लुक लाइक नेहरू मैंने साथ में ये भी सलाह दिया मैंने जब गुजरात में बोला कि इफ यू ट्राई यू विल बी लुक लाइक नेहरू तो आपने अच्छा वाला बात को नहीं उठाया प्रियंका जी कहते हैं उनकी नाक इंदिरा जी जैसी है अच्छा है ना ये तो बार बार कांग्रेस से ही ये बातें आते रहता है ये इंदिरा जी जैसा देखता है ये नेहरू जी जैसा देखता है सो कौन किसका जैसा देखता है ये एक कांग्रेस का है इसमें मैं थोड़ा और एलिमेंट डाल दिया आपने नेहरू जी की एडवाइस दी थी राहुल जी ने बोला कि मेरा मार्च जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह की तरह है दांडी मार्च हीटिंग गांधी जी कैसे मतलब मतलब जैसे कि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के लिए मार्च तो, किया तो था तो देश को अभी आप स्वराज करेगा गांधी जी ब्रिटिश सरकार का खिलाफ दांडी मार्च लिया था सौल सत्याग्रह था कि आप फॉरेन गुड्स को बॉयकट करो और आप एक इंडिजेनस जो एक हमारा ही जो चीज है इसको आप व्यवहार करो तभी तो इसका साथ कैसे कंपेरिजन आ गया मैं अगर कल मान लीजिए मैं जाम कर रहा हूं थोड़ी ऊपर में और बोलो कि मेरा यात्रा कल्पना सावला जैसा है <laughs> कभी कभी गांधी जी से किसी का कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए और मैं गांधी जी जैसा कर रहा हूं ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज गांधी इज इन ए डिफरेंट पेडेस्ट्रल although you adopted the title of gandhi or wherever but you cannot be gandhi you cannot be mahatma gandhi because कांग्रेस इज बेसिक फिलोसफी इज आपने पूछा कि किस तरीके का सत्याग्रह कर रहे हो हाँ। वो कह रहे हैं सत्याग्रह कर रहे हैं आपकी नफरत की राजनीति से राहुल जी ने बोला मैं प्यार की राजनीति करता हूं आप बंटवारे मुझसे कौन जानते हैं कांग्रेस में कैसा राजनीति होता है कांग्रेस में तो दिन भर नफरत का राजनीति होता है अब मोदी जी का खिलाफ जो इतना सब बोला वो क्या प्यार का सब था मौत की सदागर से लेके छाया तक ये सब क्या प्यार का राजनीति था उन्होंने हक किया था मतलब मोदी जी को हक हाँ किया था उन्होंने हक हाँ किया था पार्लियामेंट में हाँ? वो भी एक हक हाँ करने वाला जगह है क्या <laughs> पार्लियामेंट में अब हक हाँ करने वाला जगह है क्या वो अब मोदी जी को पत्र लिखिए कि आपका काम में मैं संतुष्ट हूं मैं आके आपको ग्रीटिंग्स करना चाहता हूं आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा लेकिन पार्लियामेंट में आप जो करते हो बार बार बोलता है मैं प्यार का राजनीति करता हूं मैं प्यार का राजनीति करता हूं अरे कौन सा प्यार का राजनीति कांग्रेस किया है कहा प्रूफ कहां है कि प्यार का राजनीति किया है कोई तो लोग नहीं बोला है कि कांग्रेस कभी प्यार का राजनीति करता है लोग बोलता है कांग्रेस फैमिली का पॉलिटिक्स करता है परिवार का राजनीति किया है या खुद ही खुद का सर्टिफिकेट करता है मैं प्यार का राजनीति करता हूं मैं नफरत का राजनीति नहीं करता हूँ भाई आपका एक्शन से आप दिखाओ ऐसे तो एक्शन से तो दिखाई नहीं देता है जब हम अलग अलग तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं <clears throat> आप चीफ मिनिस्टर हैं असम के आप कभी गुजरात में प्रचार करते हैं यहां तक कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी एक म्यूनिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं वट इज दिस होल्ड यू नो नो होल्ड बार्ड ये आप मैं सीएम एम हूं मेरा घमन ना हो इसलिए एज ए बीजेपी कार्यकर्ता मुझको आके चुनाव में कैंपेन करना है इवेन म्युनिस्पाली हो इवेन ग्राम पंचायत हो डेट कीप कि उससे मुझको दिमाग में आते रहेगा भाई आप जो भी हो आप बीजेपी का कार्य करता हो पर हिमांता जी जब आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रचार करते हैं और वहां पे आप कहते हैं कि हमारी बेटी थी श्रद्धा उसको एक आदमी ने पैतीस टुकड़े करके सूटकेस में डाल दिया और ये लव जिहाद है इसका एमसीडी इलेक्शन से क्या लेना देना है? ये, 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 कि आप बस मुस्लिम ने, 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 आप, लव जिहादिये आफ्ताब श्रद्धा पहला बात है कि आप आफ्ताब और श्रद्धा का कहानी इतना ही तक सीमित मत रखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा जी को दिल्ली में लेके आया शादी करने के लिए पैंतीस टुकड़ा किया फ्रीज में रखा फिर एक दूसरा लड़की को वही रूम में लेके आया तो ये जो कहानी हुआ है दिल्ली में इट्स रिलेट टू सिक्योरिटी ऑफ वोमन मेरा बेटी का सिक्योरिटी का मामला है और साथ साथ में देयर इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ लाभ अगर चुनाव में मैं ये बात नहीं करूं तो पॉलिटिशियन और कहा बात करेगा पॉलिटिशियन का दो ही प्लेटफॉर्म होता है या टू यू स्पीक इन साइड पार्लियामेंट और असेंबली और यू स्पीक इन इलेक्शन मीटिंग दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट विद द पीपल तो उसमें बोलने में मना क्या है क्योंकि तो आप एक म्युनिसिपैलिटी की चुनाव में अगर बात कर रहे हैं लव जिहाद जैसे इश्यूज की इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दैट इंसटेड ऑफ डिलीवरेबल्स इंसटेड ऑफ सिटीजंस इश्यूज यू आर हारकिंग बैक टू थिंग्स दैट आर कंफर्टेबल वे देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक दैट चुनाव आया तो खाली आप इलेक्ट्रिसिटी का बात बोलिए रोड का बात बोलिए लेकिन भारत में रोड और इलेक्ट्रिसिटी का साथ-साथ मेरा बेटियों का सिक्योरिटी मेरा आइडेंटिटी ये सब भी इश्यूज है अगर आप खाली डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल बात करेगा और लोगों का सिक्योरिटी का बात नहीं करेगा सामाजिक इश्यू का बात नहीं करेगा इट इज नॉट ए सम मिल आप क्यों मुझको फोर्स करता है कि मैं यही बात बोलो मेरा अधिकार है बट पब्लिक जो साहे मुझसे वो लेगा जो नहीं लेगा वो छोड़ देगा लेकिन मेरा तो अधिकार में होता है ना कि मेरा मन में जो है मेरा पब्लिक इज आवर मालिक है मालिक का साथ आप बात करो कि मेरा मन में यही है बट अगर इफ यू हार्ड कंप्लीट स्पीस उसमें डिलीवरेबल का बात भी हम लोग करता हूं जैसे अभी दिल्ली में मैंने जोगी झोपड़ी देखा दिल्ली में मैं कॉलोनी देखा एक ही रूम में दो तीन परिवार रहता है तो यह सब का बारे में भी मैंने बोला मोटा मोटा इलेक्ट्रिक तार होता है तो so, आसाम जैसा प्रदेश में भी ऐसा हालत नहीं है आज दिल्ली का जो जोगी झोपड़ी या कॉलोनी का हालत है एटलीस्ट वेयर आई हैव गन तो मैं इसका बारे में भी बात किया हूँ अभी मीडिया का ऊपर है आप कौन सा बातें उठाएगा आपके लिए थोड़ा सा ये दिल्ली में प्रचार एक अलग एंगल का भी तो नहीं है क्योंकि आपने तो सू भी किया है मनीष सिसोदिया जी को नहीं मैंने बुलाया हूँ गुवाहाटी में सू नहीं किया हूँ मैं डायरेक्ट बुलाने से तो नहीं आएगा तो कोर्ट का थ्रो बुलाया हूं पहले आपने प्यार से बुलाया था कि आकर के हमारे भी क्लिनिक्स देख लीजिए हमारे हॉस्पिटल्स देख लीजिए फिर आपने सोचा कि चलो एक और देखिए मैं जब दिल्ली में बाद हुआ कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है मेरा बहुत आशा हुआ कि अगर इफ दिल्ली है सेट लंडन बिकॉज दिल्ली इज आवर कैपिटल बट जब यहां आके मोहल्ला क्लिनिक देखा तो मेरा थोड़ा दूर हुआ आई बिकम लिटल बीट ऑफ डिज हार इंडिया का हेल्थ का अगर स्टैंडर्ड इन दैपिटल सिटी मोहल्ला क्लिनिक होता है और उसी का बारे में आप देश में बोलते हैं हमारा आसाम में तो मोहल्ला क्लिनिक का मिनिक्ल अलग सोचता है कि वहां में पैट सीटी भी होगा स्कैन भी होगा सर्जरी भी होता है ऐसे जाके बोलता है लोगों में फिर जब फुटपाथ में क्लिनिक देखते हो तब तो थोड़ा तो मन में दुख दुख आते हैं तो आप कह रहे हैं कि असम में यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ विच कैन मेजर अप टू वट द नेशनल कैपिटल एट्लीस इन देयर आर मेनी इंडियन स्टेट कैन मैच नॉट मैच फार अहेड ऑफ द हेल्थ पैरामीटर ऑफ डेली हमें भी कैट्सअप करने का पूरा कोशिश कोशिश चल रहा है हमने 17 कैंसर हॉस्पिटल खोला हूँ अभी हमारे वहां में भी एम्स स्थापित हो चुका है गुवाहाटी सिटी में ही दो दो मेडिकल कॉलेज हो रहे है आउट ऑफ टेन लैक्स पॉपुलेशन तो दिल्ली में पास कर पॉपुलेशन एनी टाइम रहता है अगर दस लाख ,00 में दो मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में होता है तो में पास कोर में कितना मेडिकल कॉलेज होना सही था तो उल्टा मोहल्ला क्लिनिक गिना रहा है जोक्स अंड कॉम्पिटिशन बिटवीन डेली एंड आसम मैं कंपटीशन करने का मैं हकदारी नहीं दिल्ली कहा आसाम बट स्टिल आई डेयर टू से जो दिल्ली में जो दिखा दिखा रहा है या जो दिल्ली आके आप देखते हो डेट डायर यू एट ऑल in the last eight years, there has been a concerted effort, especially from the prime minister, to try and make up for years of neglect. and there has been neglect always. we were, you know, told of the northeast. almost as if states don't have individual identity, they were northeast. now, to build airports, to have national highways, to ensure that to the furthest point you have a proper metal road. Is your vision or is the Prime Minister's vision of how to mainstream the Northeast up to your expectations and timelines? there is an effort which was not there before. And it is not a simple effort, it's a gigantic effort. Now, in 1962, the Chinese entered into India. India could not respond because you do not, India doesn't have a good road to Chinese frontier, Indo-Chinese Indo frontier. But today, there is a highway. Second highway is under construction. Railway line has been laid. All the northeastern states are connected with Rajdhani Express. All the northeastern states today have one and more airports so all this has happened in eight years. and if you continue this flow in next 10 years, i think northeast will be completely mainstream and a lot of india's security concern will be addressed. and you had the doniopolo airport just being inaugurated yes, by the prime minister. Yes. what's next? i think uh, gohati airport terminal is on. as i told you, railway track to tawang is on. So, there are many projects. Uh, I think uh, one month back, Mr. Ghatkari was there. He, almost announced, he announced almost 55,000 crores of road projects. So, Northeast is in shape. It is going on in the right direction. And I am sure that uh, I think within 10 years, Northeast will be an engine of growth for the entire country.

हुआ है इट वॉज नॉट विघाल कोई सारे लोग फॉरेस्ट का टिम्बर लेके चला गया था फॉरेस्ट पीपल ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल इन द प्रोसेस कॉन्फ्लिक द लोकल पीपुल एंड पुलिस सो दिस समथिंग लाइक दैट बट अनफॉर्चुनेटली डोज हू डाइट दे आर सिटीजन और दे आर रेसिडेंट ऑफ मेघालय बट इट हेज नथिंग टू डू दट टेरिटोरियल इशू और कोई बाउंडरी इशू का कोई बात नहीं था इसमें बट जो मिजोरम में हुआ था यस, देट वॉज ए क्लास और देट वॉज ए प्योर बाउंड्री डिस्प्यूट ये इनहेरेंट जो डिफरेंसेज है इनको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा और ये अभी तक क्यों नहीं हो पाए डिस्पाइट द फैक्ट सब जगह आप ही की पार्टी है देखिए, सब जगह में कांग्रेस का भी सरकार था लेकिन कभी प्रयास नहीं हुआ देयर वॉज ए टाइम टिल 2014 थाउजेंड फोर्टीन एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज अंडर द कांग्रेस रिजिम बट कोई एफोर्ट नहीं हुआ था अभी लगभग मेघालय का साथ हाफ ऑफ द डिस्प्यूट हैज बीन सेटल आधे डिस्प्यूट भी मेरा लगता है कि बाय नेक्स्ट इट विल बी सेटल और विथ अरुणाचल आई थिंक ऑल डिस्प्यूट विल बी रिजोल्व विद इन फोर टू फाइव मंथ्स। सो थिंग्स आर नाउ इन प्रोग्रेस ये पस, ये सेवेंटी टू से ये चल रहा है बिकॉज वेन यू क्रिएट स्टेट यू शुड हैली डिलनेट योर बाउंड्री But Congress did not conduct it or Congress did not delineate the state and leaving all of us to fight among ourselves. So this is a legacy issue. Now we'll resolve it. Why do you think that is? Because divide and rule ka strategy or I mean, tyranny of distance? I mean, there are many stories. People say many things, but I don't want to... Talk on that because that might create confusion. But sufficient is to sufficiently we can put that at the time of creation of a state, when I mean, if you see that Meghalaya, Nagale, and Mizoram all have been created out of Assam, people of Assam has graciously acknowledged that there is a political aspiration, create a new state. Environment was good. You could have delineated the state boundary at that point of time because Assam never opposed creation of new state, unlike many other states which were created, like you, have, you know the story of Andhra and Telangana, but all states out of Assam were born completely, completely peacefully and out of tremendous goodwill from the people of Assam. So you could have delineated that at that point of time. But you did not, for whatever reason. And today we are suffering. At that point of time, land did not have that much value. Mm. Today, with the development, every piece of land becomes a high economic potential. So, with the development, the class for land has been intensified among the people living in the border area. Mm. But we are intervening, and I am sure that within this uh, period, we have we decided ourselves that during this 75th year of independence, at least we'll resolve our dispute with Meghalaya and oronassal. When we talk about the sins of history and how we're still paying for it, one issue that always raises its heads is uh, historical representation. And why we speak about it is because the 400th birth anniversary of Lachit Borphukan is being celebrated on such a grand scale. I don't remember, I'm very embarrassed to say. Ever having seen such a celebration in Delhi, why are you doing it? Is this to try and mainstream Northeast history? No, I think I have a different take on that. Indian history, if you see the history before British come into India, it was largely written on the basis that Mughal conquered Indian uh, India. And Indian history always recognised Aurangzeb as a great sultan, probably one of the most powerful sultan of the India. But now look at the actual story. He could not conquer south Kerala, Tamil Nadu. It was not under him. Shivaji fought with him and secured a uh, kind of freedom for the Marathas. Guru Govind Singh fought with him. Durgadas Ratur fought with him. Lasid Borfukon defeated him completely. But Indian history did not recognize all these figures in commensurate with the Aurangzeb. There is a they belief that entire India was under Mughal. But the fact is not like that. In the complete India was never under Mughal. I think we have come here to show that Northeast doesn't have a separate history. Northeast history at Indian history is same. But why you have not recognized Lassid Borfukan, but you are recognizing Aurangzeb. I think the people, basically the left people who has written history, they written in a manner so that you always feel that you have been conquered. You are a defeated people. You are a demoralized people. Somebody has come. And took all of you under his fall, but we want to say that was not the case. So how many of us today we know that about Durga Das Rathor? Many of us we do not know. How many of us we know that many the Northeast was never owned by the Mughals? Tamil Nadu and Kerala was out of Mughal reach always. So, India's history was written completely taking aside, and sorry to say, which is a little anti Hindu element was there. Why would any historian do that? Because most of the left people want to show that Hindu was a weak race, Hindu, wa Hindu people could not resist Mughal and mughal overrun the hindu and control all the territory so today why we do not know in assam about durga das rathor today why you do not know about lasid borfukan this left historian has to reply all these questions today so many people in delhi ask me Oh, we, we did not heard about lasid borfukan if you have not heard about lasid borfukan who defeated aurangzeb completely washed out him then, then it is not fault of the people of Northeast. it is fault of the people who has written indian history they wanted to create, portray a bigger picture of aurangzeb vis-a-vis -vis indian kings mughal was a dynasty who ruled or who was there for 350 years बट आहूम रूल असाम फॉर सिक्स हंड्रेड इयर्स सोला डायनेस्टी वॉज देयर फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स पांडिया डायनेस्टी देर आर मेनी अदर डायनेस्टी हुगर टाइम देन मुगल बट यू हैव यू कैन थिंक यू नो फर्स्ट इट वॉज बाबर फॉम बाबर हुमायन हुमायन से औरंगजेब शाहजहा शाहजहान से औरंगजेब हमें स्कूल में ही सब पता चला था

जो ये भारत जोरो का कल्पना करता है ना पचहत्तर साल तक दो का पीछे छोड़ दीजिए टिल टू why you have यू हैव नॉट टॉट बोरफुकन आज आपको कुछ बोलने से आप पूरा आपका एकदम दिल दुखी दुख हो जाता है मेरा दिल मेरा दिल में दुख नहीं होता है वेन पीपुली वो हमें तो लासी बोरफुकन का बारे में पता ही नहीं था तो मेरा दिल में दुख नहीं होता है क्या दुख होने का अधिकार खाली राहुल गांधी का ही है हिमंत विश्व शर्मा का नहीं है आपने मेरा प्रदेश का साथ और मेरा साथ नहीं यू हैव डन सो बैडली विथ पीपुल आई मीन हीरोज लाइक दुर्गा दास राठुर लाचित बरफुकन ये सबका साथ जो अन्याय किया ये आप देश का साथ अन्याय नहीं है क्या आप क्या देश जोड़ेगा टू प्ले द डेवल्स एडवोकेट ये भी कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं रहता पहले सब कुछ खराब नेहरू ने किया की लड़ाई ने की, भाई पार्टीशन कराया सब कुछ नेहरू ने अब नया आपको विलिन चाहिए तो अब आप, आप हिस्ट्री से लोगों को खींच खींच के और अन परसों दिन भी एक टीवी का साथ बात कर रहा हूं जैसे औरंगजेब का समय में हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ दिस इज रिकॉर्डेड फैक्ट मैंने बहुत सारा फरमान पढ़ा है कि अगर आप आप युद्ध हार भी जाओ तो लूटपाट करके सलाओ, नाउ दीज आर अनरिजॉल्व थिंग्स ऑफ हिस्ट्री अगर आप लोगों को बोले ये भूल जाओ आप हाउ कैन यू आप कैसे भूल जाएगा If you ask somebody, कि आप जो सिख लोगों का यहां रायड हुआ था आप भूल जाओ अभी हाउ कैन यू इग्नोर दिस यू नीड ए क्लोजर आपसे वो क्लोजर आए सॉल्व हो जाएगा अभी नाइनटीन सिक्सटी टू का लड़ाई में नेहरू एबान असम इट इज अस्टोरिकल फैक्ट ये दे वॉज हिज ग्रेट स्पीच व्हाट हीज डिलीवर्ड दैट इज इन गूगल अभी जब आपने बोला था कि माय हार्ट गोज फॉर द पीपल ऑफ असम, तो एज ए असाम इज आई नीड ए क्लोजर आई माफी मांगो अभी जब तक अगर जालियोना मेनी अदर मैसेकर्स ब्रिटिश हैज कमिटेड दे हैव रेंडर्ड एपोलॉजी मे नॉट बी वेरी डिरेक्ट एपोलॉजी बट दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस जो हिस्टोरिकल इश्यूज है जहां में भी लोग विक्टिम महसूस करता है उनको आप एड्रेस तो करना ही पड़ेगा अभी जैसे एक बार बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू से हम राम जन्मभूमि मिल चुका है डेट्स ए क्लोजर नाउ नो बॉडी रेज दैट आपको तो क्लोजर चाहिए सो यू थिंक मिस्टर राहुल गांधी शुड अपोलोजाइज टू दीपल ऑफ फॉर फॉरवर्ड नेहरू जी डेट देखिये मैंने अपना ही बोलता हूं कि कांग्रेस को मेरा आज क्वेश्चन है कि आपने लेफ को हिस्ट्री लिखने दिया जो लोग जे में बैठा है सारे कोस दिस पीपुल हैव अंडरमाइंड ऑफ आवर कंट्री हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री लोगों का दिल में खेद है तो कोई ना कोई तो क्लोजर होना पड़ेगा नाउ लेट राहुल गांधी मूव ए रिजोल्यूशन इन पार्लियामेंट दैट हिस्ट्री शुड बी रि औरंगजेब हिरोइज शुड बी द लासिद बरफुकन दुर्गा दास छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद सिंह एंड देस शुड बी पुट इन ए हायर पेडेस्टेंट एस दैट इज द फैक्ट ऑफ द केस तो क्लोजर, बट आप ऐसा नहीं करके अगर इफ यू कीप ऑन जस्टिफाइंग ने ने बीजेपी ने देश को तोड़ दिया इसीलिए मुझको जोड़ना है हरे बाबा इफ यू want, इफ यू क्रिएट a हेड फिगर आउट ऑफ नथिंग यू विल नॉट बी अक्यूज बट अगर हमें कोई सच बात बोलता हूं तो वी आर क्रिएटिंग ए हेड फिगर तो इफ यू आर इनहेरिटिंग ए लीजेसी मैं नहीं जानता हूं आप इनहेरिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है अगर इफ यू थिंक यू आर इनहेरिटिंग दैट लीगेसी देन यू हैव टू अपोलॉजाइज फॉर समथिंग हुई हैज बीन रॉन्ग और जो अच्छा हुआ था उनका क्रेडिट लो Okay, this is uh, food for thought about what could be another way to do Bharat Jodo Yatra, Mr. Himantabiswas Sharma. Thank you very much. I know you're a very busy person from Assam to Delhi to Gujarat. Your no, no. jet-setting chalta hai, east to west. But thank you for taking out time to be here. Thank, thank you. you